ONGC ली हुई है 330 के रेट पे। और ठीक है, कितना सर समय मेरा दे ना सकती हैं सिक्स आप? सर मैं 6 मंथ तक रुक सकती हूँ, ठीक है, बट मैंने ना हाई प्राइस पे ली हुई है, तो जी जी मैं जानना चाह रही हूँ कि इसको क्या मैं एवरेज कर सकती हूँ। और ठीक मेरा दूसरा क्वेश्चन इंडसलैंड बैंक पे है, ठीक है, इंडसइंड बैंक, वो मैंने 1460 पे लिया हुआ है, 100 शेयर है, ठीक है, तो दोनों तो ही क्या मैं उसको भी एवरेज कर सकती हूँ? ठीक है, दोनों ही पे आपको 6 महीने का नजरिया चाहिए? हाँ जी ठीक है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक का इन्होंने 1400 के ऊपर की इनकी बाइंग है, ONGC में 330 की बाइंग है, 6 महीने का नजरिया है। पूछ रही हैं कि क्या, चूंकि ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, तो क्या एवरेज की गुंजाइश बन रही है इन स्टॉक्स में, या कोई और रणनीति इनके लिए होगी? प्रशांत जी, अगर आप ONGC का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा फॉल आया, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है। काउंटर अभी 2200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है ऑन द डेली चार्ट, और इसके पहले भी अगर आप देखें तो जून में जब का एक फॉल आया था इस काउंटर में, प्रिसाइसली 200 सिंपल मूविंग एवरेज से ही काउंटर ने रिबाउंड किया था। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इधर है तो सही, अराउंड 278 के आसपास देखते हैं, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है करके कि थोड़ा सा नीचे भी डिप कर सकता है। एवरेजिंग करना है तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी मत करें, आपको मे भी थोड़ा सा नीचे एक अच्छा बेस है अराउंड 250 के बाद, अगर एक 280 ब्रीच कर देता है तो पॉसिबिलिटी के थोड़ा सा स्लाइड होके स्टॉक अराउंड 250 के पास भी आ सकता है, तो वहां पे आप फिर से इसको रिव्यू करें और वहां पे आपको एक फिर से एवरेजिंग करने की चांस मिल सकती है। अपसाइड में यहाँ पे एक लेवल जो वॉच आउट कर रहा है, दैट इज 300-302, ये लेवल क्रॉस होता है तो इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा, नहीं तो चांसेस है करके कि अगर ये जो रेंज है 20 पॉइंट की, 20-25 पॉइंट की, इसी में ट्रेड करें, बट अभी एक सपोर्ट के पास है तो यहाँ पे वॉच करें, अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, वहां पे एवरेजिंग करने का सोचें। दूसरा काउंटर जो आपने बताया इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी सेम थिंग है कि करेक्शन हुआ है उसके बाद कंसोलिडेशन दिखा है, एक ओवरऑल सपोर्ट है अराउंड, अब देखेंगे तो अराउंड 1320-1330 के जोन के आसपास, अगर ये एक स्ट्रिक देख, अगर किसी ने ऑलरेडी लॉन्ग किया है तो वो एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर इसको ब्रीच करता है तो पॉसिबिलिटी है कि काउंटर थोड़ा सा और गिर जाए, तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे तो एवरेजिंग ना करें, आपके जो ऑलरेडी ट्रेड्स है उसे तो होल्ड करें। अपसाइड में यहाँ पर जब अगर एक काउंटर 1380 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, नहीं तो चांसेस है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन। ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट ही एक ऐसे फ्रेज में जहां पे अभी तक एक रेंज में ही हम फंसे हैं और काफी सारे काउंटर्स भी इसी तरह से रेंज में फंसे हैं, तो आई थिंक फॉर अ वीक और 2 वीक्स में एक डिसाइसिव मूव आने पर हमें दिखेगा करके कि किस तरह का ओवरऑल ट्रेंड रहेगा आगे चल के, बट अभी के लिए इंडसइंड और ONGC आप दोनों भी होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स को आप होल्ड कर सकते हैं स्नेहा जी की तरफ से।